गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ ब्लॉगर निशी। मेरे चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए बृहस्पतिवार के मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ पे आज क्या हुआ था कि हस्बैंड जो सुबह ही ऑफिस के काम से बाहर निकल गए थे, तो उसके बाद ही दोबारा आए हैं। तो यहाँ पे फिर क्या था, मैंने इधर दाल वाल मैंने बना लिया था और इधर चाय भी मैंने बना लिया था। भिंडी की सब्जी मैं वास वास करके वही कट करने जा रही थी कि हस्बैंड आ गए, फिर उन्होंने कहा कि चाय लाओ, तो मैं चाय बनाई थी तो उनको दे दिया। वो चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रही हूँ। इधर में साथ साथ में सब्जी भी कट करते जा रही हूँ और हम लोग कुछ बात भी करते जा रहे थे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए उनको तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और सपोर्ट जरूर करेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने दाल बना लिया है, चाय बना लिया था, उसके बाद फिर मैं सब्जी कट कर रही हूँ। तो आज मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी दाल के साथ खाने के लिए, सूखी सब्जी। और क्या है कि मेरे हस्बैंड को जो भिंडी की सब्जी मतलब बहुत पसंद है, तो अक्सर भिंडी ले ही आते हैं। मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इस समय देखिए बराबर ही मैं इधर भिंडी की सब्जी बनाती रहती हूँ। फिर ये चाय वाय पी लिए थे, उसके बाद फिर इनको फिर अभी ऑफिस के लिए निकलना है। तो ये अभी आज ये नहाए नहीं थे अभी, तो उसके बाद ये फिर नहाने के बाद पूजा वूजा करके फिर खाना वाना खा के फिर बाद में निकलेंगे ऑफिस। और मेरी भिंडी की सब्जी कट हो गई थी, उसके बाद फिर यहाँ देखिए मेरा ये दाल बन गया। मैं इसको दूसरे बर्तन में खाली कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, वो गर्म हो गया था, फिर उसमें मैंने तेल डाल दिया, वो गर्म हो रहा है। फिर मैं एकदम सिंपल सी भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। कभी कभी क्या है कि मैं भिंडी की मतलब सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाला थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं, लेकिन यह क्या है कि वो कभी कभी से ये सब्जी मसाला जो होता है इसमें मिर्ची पड़ी रहती है, तो ऐसे तो मैं मिर्ची अवॉइड करती हूँ। तो ऐसा नहीं है बेटू थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर तीखा रहता है तो खा लेता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये सब्जी मसाला कभी कभी डाल देते हैं तो ज्यादा तीखा लगने लगता है, इसलिए मैं सब्जी मसाले के आज अवॉइड कर रही हूँ। मैं इसमें डाली हूँ मेथी के दाने और लहसुन का मैंने तड़का दिया है, मिर्ची को अवॉइड किया है। मैं सब्जी मसाला भी इसमें ऐड करूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा हींग ऐड करूंगी। और फिर जब इसमें जो मतलब जो ये इसका पानी है मतलब इसे छोड़ता है, तो ये इसको थोड़े देर भूनने भूलेंगे तो जो इसका पानी है थोड़ा सा मतलब रिड्यूस हो जाएगा, फिर उसमें ये मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। तो थोड़े देर मैंने खुले में पकाया था, फिर मैंने थोड़ा ढक के पकाया था, फिर मैंने इसको खुले में पकाया था बाद में। और मतलब बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं लिया था। उसके बाद फिर ये देखिए ये फिर उसके बाद सीधे ये शाम को मैं यहाँ पे आ गई थी हलवा बनाने के लिए आटे का। तो मैंने सोचा चलो अभी बेटू मतलब सो रहा था, मैंने सोचा अभी बेटू उठेगा तो उसके लिए हलवा बनाएंगे, लेकिन फिर पता चला ये जब बीच बीच में बेटू उठ जा रहा था मैं उसको देखने जा रही थी, तो फिर मैंने क्या क्या हलवा फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो ठीक है बेटू जब उठ जाएगा तभी हलवा बनाएंगे। तो बेटू उठ गया तो मैंने उसको दूध दिया था पीने के लिए, पिया ही, फिर मैंने कहा चलो आज आटे का हलवा बनाते हैं। कभी कभी वो मन से खा लेता है, तो मैंने कढ़ाई में घी डाला था, उसको मतलब गर्म हो गया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें आटे को डाल दिया। मैं इसको खूब भूनूंगी, मतलब बहुत अच्छे से मैंने इसको भूना था और इसमें से बहुत अच्छी अरोमा आने लगी थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था, बहुत धीरे धीरे पानी मतलब ऐड करेंगे, इकट्ठा नहीं ऐड करेंगे। तो उसके बाद फिर जब ये मतलब बहुत टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस मतलब इसको भूनने का। और फिर मैं बीच में मुझे प्यास लग गया था तो मैं पानी भी पीने चली गई थी, फिर मैं लेके चली हुई आई। पानी पीते पीते मैं आटे को चला रही हूँ और बहुत टेस्टी हलवा बना था, बहुत टेस्टी हलवा बना था। एक्चुअली बात क्या होता है कि हलवा हलवा जो आटे का ऐसा चीज है मतलब आटे का हो चाहे सूजी का हलवा हो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, उनको नहीं पसंद है। लेकिन क्या हुआ था कि जब मैं बेटू को हलवा खिला रही थी
मतलब अभी आप देखिएगा कि मैं जब बेटू को हलवा खिला रही हूँ तो मतलब उसको अच्छा लगा, एक दो बार मम्मा मम्मा करके मांगा, लेकिन वो क्या कर रहा था, फिर बिल्कुल जरा समय में लगा के हटा दे रहा था, फिर वो नहीं खाया। फिर मैंने क्या किया, मैं ही उसका खा ली हलवा, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर करके भी थोड़ी देर बाद खिलाऊंगी, फिर उसको मैं खिला रही थी, खा ही नहीं रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, और खिलाते खिलाते अंत में इतना हो गया कि उसके पापा भी ऑफिस से आ गए और मैं उसको हलवा खिला ही रही थी। तो वो कह रहा है कि मम्मा मुझे नहीं, पापा को खिलाओ। तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, पापा को खिलाते हैं। फिर मैंने उनको जब खिलाया एक दो बाइट, तो मैंने उनसे पूछा कैसा बनाया, तो कहा बहुत टेस्टी बनाया है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो जल्दी सब हलवा हलवा नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने उनको उनके लिए बिल्कुल रखा भी नहीं था, बस जरा समय में जो बेटों को खिला रही थी उसी में से एक दो बाइट खिलाया, लेकिन उनको काफ़ी पसंद आया, बहुत सच में बहुत टेस्टी हलवा बना था। क्या है कि थोड़ा घी रहे और अच्छे से आप इसको भून दो तो आटे का हलवा मुझे तो बहुत पसंद है। और ये देखिए इधर मेरा आटे का हलवा मतलब बनके रेडी हो गया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया था, उसके बाद थोड़ा चलाया, फिर उसके बाद मैंने इसमें तब उसके बाद शुगर ऐड किया है, और इसको फिर उसके बाद कुछ देर तक मैंने धीमे धीमे आंच पर और कुछ देर तक भूना है। फिर इसमें से जब क्या था कि घी जो था वो सेपरेट हो गया था, तो जब उसमें से घी सेपरेट हो गया था तब मैंने इसमें क्या किया था, तब इसको मैंने निकाला था बर्तन में खाने के लिए, एकदम से घी अलग हो गया था, बहुत टेस्टी लग रहा था। अभी इस पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको मैंने बाद में कुछ देर तक भुना था तो उसके बाद मैंने क्लिप नहीं लिया, और फिर जब मैं इसमें खाने के लिए निकाली, ये देखिए इसमें इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से जो है घी सेपरेट हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर क्या है कि मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करती, बेटू तो खाएगा भी नहीं, मुझे भी नहीं जल्दी अच्छा होता है, तो मैं एकदम सिंपल सा फिर ऐसे निकाल के लेके अपने लिए और बेटू के लिए चली आई थी। फिर क्या था, जो बेटू को मैं खिला रही थी वही वो नहीं खाया, फिर मैं वही खाई, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने क्या कि अपना वाला भी बेटू वाला भी मैंने ही खाया, फिर थोड़ा सा बचा था, फिर बाद में उसको मैं लेके आई बेटू को खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खाया। अगर आप आटे का हलवा अगर मतलब अच्छे तरीके से बना लो तो वो मतलब सूजी उजी के हलवा से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। आटे का हलवा मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोगों को वो पसंद होता है, लेकिन बहुत लोग नहीं भी पसंद करते हैं। और ये आप लोगों से कुछ कह रहा था जब इसको पता चला कि मम्मा कैमरा ऑन की है। जी कुछ बता ही रहा था। और बहुत मतलब इनको खिलाना जान लीजिए बहुत टाइम लगता है। देखिए ऐसा लग रहा है कि खा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल जरा सा लगा के स्पून में, मतलब अगर स्पून से खिलाओ तो जरा सा ही क्या करते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ स्पून से बहुत कम चीजें मैं इनको खिलाती हूँ, हाथ से खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये स्पून से अगर खिलाओ तो जरा सा ही इसे मुंह में लगा के हटा देते हैं स्पून को, और अगर हैंड से खिलाते हैं तो हाथ तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। फिर मैंने बाद में इनको कोशिश किया था हाथ से ही खिलाने के लिए, लेकिन तब भी ये नहीं खाया, तो बहुत टेस्टी बना था हलवा। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए जिससे मेरे व्यूज अच्छे आए। इतना अच्छा लगा था कि मैंने दोनों कटोरी बैठे बैठे ही खा के खत्म कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।